वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज कन्फेशन ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर रिटन बाय ऑगन नॉश। प्यारे बच्चों, आज हम इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, थीम एंड अदर क्वेश्चंस आल्सो। हियर आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। हु रोट द पोइम कन्फेशन ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर? द पोइट इज ऑगन नॉश। हु इज द स्पेक्टेटर टॉकिंग अबाउट इन दिस पोइम? दर्शक, द स्पेक्टेटर का अर्थ है पोइट, कवि इस कविता में किसके बारे में वर्णन कर रहा है। हु इज द स्पेक्टेटर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है वो, किसके बारे में बात कर रहा है? एथलीट्स के बारे में बात कर रहा है, खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। अबाउट एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स मैन। व्हाट डज द पोइट कॉल हिमसेल्फ इन दिस पोएम? इस कविता में कवि अपने को क्या कहता है? ए बॉर्न स्पेक्टेटर, पैदाइशी दर्शक। मतलब यह है कि उसमें सिर्फ दर्शक के ही गुण हैं, उसमें एक खिलाड़ी के गुण नहीं हैं। वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि खेलों को देख सके और अपना मनोरंजन कर सके और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके। व्हाट डज द पोइट प्रेफर टू बी इन हिज पोइम कन्फेशन ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर? क्या कन्फेस करता है वो कि आई एम ए स्पेक्टेटर, जस्ट ए स्पेक्टेटर। इन द स्पेक्टेटर प्राउड एंड कंप्लेसेंट टू बी ए स्पेक्टेटर ओनली। ठीक है, यस ही इज ए स्पेक्टेटर ओनली। व्हाट डज द स्पीकर एडमायर इन दिस पोइम? किसकी प्रशंसा करता है कवि? ऑल टाइप्स ऑफ एथलीट्स। ठीक है, हु डज द स्पीकर एडमायर इन दिस पोइम? किनकी प्रशंसा करता है? ऑल टाइप्स ऑफ एथलीट्स। व्हाई डज द फ्रेज हेरोइक डीड्स इन द पोइम स्टैंड फॉर? हेरोइक डीड, बहादुरी के कारनामे, ये फ्रेज जो है किन के लिए इस्तेमाल की गई है? जो जीत जाते हैं, जिनको इनाम मिलते हैं खिलाड़ियों के, उनके लिए की गई है। द विक्ट्रीज एंड प्राइजेस वन बाय स्पोर्ट्समैन। व्हाई डज द स्पेक्टेटर स्टूडेंट्स टेल हिम? हाँ जी, व्हाट डज द स्पेक्टेटर्स प्रूडेंस टेल हिम? उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो विवेक है, वो उसको क्या कहती है? ठीक है, वो कहती है कि गेम्स में बहुत रिस्क है, यू शुड रिमेन ए स्पेक्टेटर, तुम्हें एक दर्शक ही रहना चाहिए। टू रिमेन ए स्पेक्टेटर एंड टू टेक एंड नॉट टू टेक पार्ट इन गेम्स। ठीक है, व्हाट डेंजर्स इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोइम? कौन से खतरे खेलों में हैं जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है? ठीक है, स्वोलन आइज, ब्रोकन नीज एंड क्रैक्ड रिस्ट। कौन कौन से तीन है? स्वोलन आइज, सूजी हुई आँखें हैं। ये जो आपको पता है, जब बॉक्सर आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे की आँखें सूज जाती हैं, एक दूसरे के चेहरे पे वो प्रहार करते हैं, वार करते हैं। ब्रोकन नीज, घुटने जो है टूट जाते हैं। क्रैक्ड रिस्ट्स, और उनकी जो कलाइयाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, क्रैक्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। व्हाट
prevents the spectator from competing with athletes. ठीक है, the fear of blows and injuries. Fear of blows and injuries, के मुक्कों का प्रहार और जख्मी हो जाने का जो डर है वो कवि को क्या करता है, उसको बीच में से उसको डर लगता है. ठीक है, इट फियर, द फियर वाज अबाउट बीइंग इंजर्ड. इसका क्या मतलब है बच्चों, के कवि जो है वो बॉर्न स्पेक्टेटर है वाकई में ही, और वो जो रिस्क नहीं लेना चाहता जो कि एक खिलाड़ी के जीवन में रहता है, खेलते हुए रहते हैं. हेयर इज द थीम एंड द मेन आइडिया. सम अदर क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिस्कस्ड. कन्फेशन ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर. मैन इंजॉय फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. हर व्यक्ति की बच्चों तीन तरह की सेहत होती है, स्वास्थ्य होते हैं. एक तो शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, और एक जो है भावनात्मक रूप से. ठीक है, और हम इसको इन्जॉय करते हैं. अगर आपका मानसिक सेहत ठीक है तो आप इन्जॉय कर सकते हो ज़िंदगी का. अगर आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल है. इन तीनों में से किसी में भी कोई कमी आ जाए तो व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाती है. दीज हेल्थ्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन. और ये हर व्यक्ति में ये तीनों तरह की सेहत जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, इनका स्केल डिफरेंट होता है. कोई जो है शारीरिक रूप से बहुत रिस्ट पुष्ट होता है, ऊंचा लंबा होता है, तो कोई मानसिक रूप से जो है बहुत सख्त और बुलंदी पे होता है. ठीक है, सो ही चॉइसेस ऑफ पैशन एंड प्रोफेशंस आर डिफरेंट. ये तीन ही चीज़ें हैं बच्चों जो कि आदमी के प्रोफेशंस को डिफरेंट करती हैं और वो आदमी चॉइस बना लेता है. 5-6 फुट लंबा जो व्यक्ति है वो फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, और जो 5 फुट का है वो शायद ना जा पाए, या उसको फिजिकल जो मापदंड पूरे ना हो. ठीक है, सो चॉइसेस किस चीज़ पे हो गई, वो हो गई प्रोफेशंस की, इन हेल्थ पे. स्पोर्ट्समैन फिट्स टू बी स्पोर्ट्समैन. जो स्पोर्ट्समैन होता है वो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए फिट होता है. ठीक है, स्पेक्टेटर कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन. और दर्शक जो है वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता. बट दे मस्ट हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर. उन लेकिन वो जो है एक दूसरे के प्रति मान सम्मान अवश्य ही होना चाहिए. ठीक है, हमारा प्रोफेशन जो मर्जी हो, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और दर्शक के लिए नहीं, जीवन में भी हमें हमारा जो है एक दूसरे के प्रोफेशन के लिए मान इज्जत होना चाहिए. ठीक है, तो द पोइट लव्स टू वॉच द प्लेयर्स इन वेरियस कंटेस्ट्स. कवि जो है वो इंजॉय करता है, उसे प्रेम है खिलाड़ियों को डिफरेंट खेलों में, प्रतियोगिता में खेलते हुए देखने का. ठीक है, वो उन्हें वॉच करता है. He is content with it. और वो इससे तृप्त भी है. He knows his limitations. और हमारे जो कवि है जो स्पेक्टेटर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे अपनी limitations का भी पता है, कमजोरियों का भी पता है कि पैदाइशी रूप से भगवान ने मुझे ऐसे गुण नहीं दिए. I am just as glad as can be that I am not them, that they are not me. मैं बहुत खुश हूँ और इतना खुश हूँ कि जितना कि एक व्यक्ति हो सकता है, जितना कि मैं हो सकता हूँ. that I am not them, मैं उनमें से नहीं हूँ. किन में से? खिलाड़ियों में से नहीं हूँ. they are not me, और वो मेरी जगह नहीं ले सकते. हम एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते. ये अगर हम मान के चलें तो हमें जीवन की खुशियाँ मिलती रहेंगी. अगर हम यही सोचते रहें कि मैं उस जैसा क्यों नहीं बन गया, वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच गया, तो जीवन में विषाद, क्लेश और मन में अशांति ही आएगी.
नो डाउट यू आर योर सेल्फ एंड कंप्लीट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, निस्संदेह ये बात है कि तुम ही हो और तुम अपने में कंप्लीट हो जैसे भी हो। दिस फिलॉसफी मेक्स यू ऑल परफेक्ट एंड ऑल हैप्पी। और अगर आप इस विचारधारा को अपनाओगे तो आप अपने आप को वाकई ही परफेक्ट मानोगे, तुम पूर्ण हो, तुम बहुत खुश हो। नेवर वियर अदर शूज़, इट डज नॉट फिट वेल। कहा जाता है बच्चों कि दूसरों के कपड़े, दूसरों के जूते कभी भी फिट नहीं बैठते, कभी भी अच्छे नहीं लगते। कम से कम जो है आपके मानसिकता में ये रहता कि ये मेरे नहीं है, उधार लिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द स्पेक्टेटर से आई ड्रिंक टू यू। द स्पेक्टेटर लव्स एंड प्रेजेस प्लेयर्स हेरोइक एक्ट्स इन स्पोर्ट्स। जो हमारा कवि है, दर्शक, उसे प्रेम है और वो प्रशंसा भी करता है। किस चीज़ की प्रशंसा करता है बच्चों? खिलाड़ियों के बहादुरी भरे कर्तव्यों की, जब वो खेलते हैं। बट ही इज ए बॉर्न स्पेक्टेटर, वो पैदाइशी दर्शक है, नॉट बॉर्न प्लेयर, और वो पैदा नहीं हुआ प्लेयर बनने के लिए, उसमें वो गुण नहीं है। सो ही सेज आई ड्रिंक टू यू इज ए वीक इन विल एंड बॉडी बॉथ। वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और निश्चय से भी कमज़ोर है, ठीक है, और वो इसको मानता है। हमें अपने कमियां और अपने जो है मजबूतियां, उनका पता होना चाहिए, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाई वुड द पोइट प्रेफर टू बी जस्ट स्पेक्टेटर। वो स्पेक्टेटर ही सिर्फ बनना क्यों पसंद करता है? बच्चों, इसका आंसर जो है वो जो मैंने क्वेश्चन 2 में दिया है वही है। क्वेश्चन 2 का और क्वेश्चन 3 का सेम ही आंसर है। डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन द पोइट्स ईगो एंड द प्रूडेंस। प्यारे बच्चों, कवि में के अहम और उसकी समझदारी में एक द्वंद्व चलता है, एक कन्फ्लिक्ट चलता है, वो क्या है? कभी वो सोचता है, ईगो जीत जाती है, कभी प्रूडेंस जीत जाता है। द स्पेक्टेटर लव्स एंड प्रेजेस प्लेयर्स हेरोइक एक्ट्स इन स्पोर्ट्स। हिज ईगो मोटिवेट्स हिम टू टेक रिस्क, टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड विन मेडल्स। उसका अहम जो है उसको प्रेरित करता है कि गेम्स में पार्ट लो, गेम्स में जो रिस्क हैं उनको भी लो, ठीक है, गेम्स में मेडल जीतो। बट ही इज ए स्पेक्टेटर बाय बर्थ एंड बाय गॉड्स ग्रेस। वो पैदाइशी दर्शक है, भगवान ने उसको दर्शक के लिए ही पैदा किया है और यही भगवान की इच्छा है, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा। बट इज प्रूडेंस रियलाइजेज हिज वीकनेस, लेकिन उसकी समझदारी उसको अपनी जो कमजोरी है उसके बारे में सूचित करती है। ही कैन नॉट टेक रिस्क इन गेम्स। वो गेम्स करके खतरे में नहीं पड़ना चाहता। एट लास्ट प्रूडेंस विंस इन हिम। आखिर में जो समझदारी है, जो विवेक है, जो उसमें बुद्धिमता है, वो जीत जाती है। सो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट कन्फेशन ऑफ ए बॉर्न स्पेक्टेटर। वी हैव एनफ ऑफ द मटेरियल विद अस। वी डिस्कस्ड थीम, मेन आइडिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ब्रीफ क्वेश्चंस आल्सो। दोज ब्रीफ क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आल्सो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।